हेलो गाइस, तो हम फाइनली पहुंच गए हैं मैहर। तो अभी हम रुके हैं यात्री निवास में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये गार्डन है प्यारा सा, यहाँ यात्री लोग रुक सकते हैं और स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद स्नान वगैरह करने के बाद यहाँ से निकलते हैं मंदिर के लिए। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी है गाइस, आइए हम थोड़ी देर में दिखाते हैं आप सबको। इसे गार्डन तो बड़ा प्यारा है यहाँ पे देखने में। तो देखिए, अब नहाने वहाने की जगह आइए दिखाते हैं आप सबको। ज़्यादा बेटर तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। ये देखिए, ठीक है, नहा वहाँ सकते हैं। यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम सब बना हुआ है। तो 10 रुपये में और क्या लेंगे आप लोग, सिर्फ मात्र 10 रुपये है यहाँ स्नान करने का। तो यहाँ यात्री निवास इसका नाम है, तो आप सब लोग आएँ तो ज़रूर इसका प्रयोग करें, सबसे सस्ता और अच्छा है। तो वही चलते हैं और आगे आप सबको दिखाते हैं। हम फ्रेश रोज हो के निकलते हैं मंदिर की ओर। तो आप सब लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए इसका ब्लॉग। तो अभी हम चलेंगे रोड वे से, तो वही चलते हैं और आप सबको आज का ब्लॉग दिखाते हैं। तो आप सब लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आज का ब्लॉग। अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं रोड वे पास। तो गाइस, आज हमारे गाने का शूट भी है, तो आज हम अपना सॉन्ग शूट करेंगे। तो आप सब लोग हमारा सॉन्ग जरूर देखिएगा, इसलिए हमने वर्दी वगैरह कुर्ता वगैरह पहन लिए हैं। आइए चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं आज का। बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है गाइस यहाँ पे भी। ये देखिए गाइस, और ये है लाइन। Yeah.
बेड़े का इजाज। उस दिन आए थे तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितना आज है। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारा दर्शन हो गया है। तो आप सबको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।